हाँ जी, तो बात करते हैं डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक थीटा, ये रह गया एक बेचारा है ना, इस बेचारे को भी कर देते हैं है ना, डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक थीटा है ना। तो इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए, दो ही चीज़ मालूम होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए भैया साइन का रिवर्स होता है, ये साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक है ना, जैसे कि कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक होता है ना, वैसे ही साइन का रिवर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, और कॉसेक का इन्वर्स होता है साइन है ना, साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स साइन। और एक फॉर्मूला ये कि अगर कोई दो नंबर ऐसे करके हैं न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, इनका डिफरेंशियल अगर करना है ना, तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला है ना, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए एक, ठीक है ना। करते हैं फिर, अब क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक डी वाई डी थीटा, कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ नॉर्मल साइन, तो डी वाई डी थीटा लिख देता हूँ यहाँ पर, वन अपॉन साइन थीटा। क्या करना है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर, सर नीचे वाला नंबर डिफरेंशियल ऑफ ऊपर, नीचे वाला, नीचे वाला डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है ना, बहुत बार लगा दिया इसको, अब तो याद हो गया वो, तो कर देते हैं सर हाँ। क्या करते हैं, नीचे वाला यानी कि साइन थीटा डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला डी बाई डी थीटा ऑफ वन, मालूम है वन होने वाला है, जीरो होने वाला है क्योंकि कांस्टेंट है, वन क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जीरो होने वाला है, माइनस वन डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाला साइन थीटा का डिफरेंशियल है ना जी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है तो साइन को मल्टीप्लाई करके तो भी क्या होगा, कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है जीरो हो जाएगा है ना, ये जीरो है इसलिए पूरा भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस थीटा है ना। अच्छा एक चीज़ तो रहेगी, एक चीज़ रह गई, ये तो फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ ना, अपॉन डी स्क्वायर भी तो होगा, डिफरेंशियल नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर भी तो करना होता है, अब सही है ना, ये जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस वन, ये हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या देख पा रहा है, बिल्कुल दिख पा रहा है। आगे क्या कर दूंगा मैं इसके, आगे मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या मतलब साइन स्क्वायर है, यानी कि मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्या आप जानते हो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, नहीं जानते तो देखो होता है, जानते होगे ना, सब जानते होगे, सब कुछ जानते हो तुम, मालूम है मुझे, मजाक कर रहे हो है ना, कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, और टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस कॉट होता है साइन अप, अरे समझ रहे ना यार क्या लिख रहा हूँ है ना, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात जानते हो, दसवीं से जानते हो ना, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानते हो यार है, इधर आओ, इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दूं मैं, टेन थीटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वन अपॉन साइन, ऊपर वन तो होते ही होते हैं ना, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक है ना, तो मैं माइनस को लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा वन अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या ये नहीं हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर का, कॉसेक थीटा का डिफरेंशियल, क्या सही किया मैंने, हैं सही किया क्या मैंने, चेक कर लेना है ना, सही किया हुआ है ना, कॉट थीटा तुम्हारे सामने किया है, जो भी किया है ना, सही हुआ मैं भी है ना,
देख लेना एक बार चेक कर लेना, बता देना अगर गलत हो तो, है ना, कमेंट करके बता देना गलत हो तो, है ना, हो सकता है गलत हो, है ना। कॉट थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस लगा दिया इसमें ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अरे समझ में आ रही बात, है ना, कॉसेक थीटा का क्या होगा, डिफरेंशियल हो गया, है ना, समझ में आ रही होगी आपके, मुझे लगता है सर, पूरा पूरा लगता है मुझे, है ना। आपको बस ये पता थी, पता होना चाहिए था, ये दसवीं का, दसवीं की से, दसवीं से पता होना चाहिए था आपको, ये पता होना चाहिए था आपको, ये तो बारहवीं में पढ़ा है ना, क्या ये है ना, ये डिफरेंशियल तो आपने बारहवीं में पढ़ा है ना, ग्यारहवीं बारहवीं में, है ना, तो ये आपको ग्यारहवीं से पता होना चाहिए था और ये आपको दसवीं से पता होना चाहिए था, और आपने क्वेश्चन कर लिया है ना, ये तो मैंने बताया था आपको, ये आपको दसवीं से पता होना चाहिए था, ये मैंने बता दिया, ये भी पता होना चाहिए था दसवीं से, तो ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं जो आपकी दसवीं और दसवीं की अप्लाई हो रही है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताई दिया था, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, रटने की जरूरत इसको नहीं है।